नमस्कार दोस्तों, इंदौर शहर जो कि खाने पीने की चीज़ों के लिए अति प्रसिद्ध है और ऐसी ही प्रसिद्ध जगह पे आज हम आए हैं, खा पी जा। नाम से ही जैसे कि है, खा पी और जा। मैंने जब यहाँ के इनके संचालक जी से बात की, राजपूत जी से, तो उन्होंने कहा सब खा पी जा नाम भी इस तरह रखा है कि यहाँ आइए, कचौरी खाइए, चाय पीजिए और साथ में जायकेदार पान का स्वाद भी लीजिए। तो ये कपड़ा मार्केट में, इंदौर का जो प्रसिद्ध कपड़ा मार्केट है वहाँ पर स्थित है। तो आइए हम देखते हैं इनकी कचौरी का स्वाद कैसा है और क्या खासियत। मैंने बात की तो इन्होंने बताया इनकी दाल की कचौरी और आलू की कचौरी सबसे फेमस है। तो ये कचौरी जो बन रही है इसमें दाल और आलू दोनों मिक्स हैं, साथ ही साथ इनकी जो चटनी होती है वो भी बहुत फेमस है। रंजन राजपूत जी जो कि ये संचालक हैं, आप बता रहे थे आपकी चटनी की क्या खासियत है। सर, चटनी बिल्कुल विशेष है, मध्य प्रदेश में, इंदौर में कहीं भी नहीं मिलेगी। अरे जो यहाँ आएंगे, जो खाएंगे, उसके बाद ही आप जानेंगे इसकी विशेषता। अभी एक कस्टमर को मैंने जाते वक्त सुना कि यार इनकी कचौरी की साइज भी अच्छा है, तो साइज आपने लिख ही रखा है, खा पी जा कचौरी समोसा किंग साइज। बहुत बहुत बधाई हो और आपका ये जो प्रयास है इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और दाल दोनों, ये अभी गर्मा गर्म कचौरी निकली है, आलू और दाल दोनों की। आइए हम इन ये किस तरह कचौरी को बनाते हैं, और इनका ब्रेड वड़ा भी बहुत फेमस है। ये गर्म कचौरी जो बना के देते हैं उसमें हरी चटनी, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि इसमें दाने और काजू सब डलते हैं, इमली की चटनी है और दही डलता है। ये है स्वादिष्ट कचौरी, बहुत शानदार। ये ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, बताएं ब्रेड पकौड़े का जो मसाला है वो भी इनका स्पेशल होता है। ये मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ, जब तक आप स्वयं आकर यहाँ नहीं खाएंगे जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो ये शौकीनों का शहर है और शौकीन लोग बिल्कुल पधारेंगे, और मैं बस यही गुजारिश कर सकता हूँ कि आप एक बार जरूर आए और जरूर खाएं। जरूर, आपका सदैव स्वागत करूँगा। जरूर, थैंक यू सो मच।